अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग जा रहे थे अपने दोस्त के घर। हम लोगों की दावत थी और उसके घर नहीं थी, हम लोगों ने जाना था और जगह पर जहाँ पर हम लोग खूब एंजॉय करने वाले थे और हम लोग उधर ही जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग गड्ढे पर पहुँच गए। गड्ढे पर मैं जैसे ही पहुँचा तो मुझे सामने एक कोच दिखाई थी। हम लोग जल्दी से उसके अंदर बैठ गए और बैठ कर हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। और यार जैसे ही एक आदमी ने दरवाज़ा खोला कोच का, तो यार उधर वो दरवाज़ा मेरी घड़ी के ऊपर लग गया और मेरी घड़ी टूट गई, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। खैर अब क्या कर सकता था, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो घड़ी टूट गई थी तो मैंने कहा चलो खैर है, अल्लाह ताला कोई और देगा। अब इन लोगों को तुम लोग देखो मेरे साथ मस्तियां कर रहे थे और ये मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। खैर उसके बाद हम लोग जल्दी से पहुंच गए उधर और हम लोग कोच से उतरे। कोच से उतरने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल की और जो कि वो नंबर नहीं उठा रहा था, और उधर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, धूप भी थी, और मैं उसका वेट कर रहा था कि पता नहीं कब आएगा। खैर मैंने जैसे फिर अपनी घड़ी को देखा तो यार वो बिल्कुल टूट चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी लगा, लेकिन खैर अब क्या हो सकता था। फिर हमारे लोगों का दोस्त आ गया, हम अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठे और ये दो नमूने भी मेरे साथ थे। हम उधर गए, जल्दी से मैंने देखा तो वहाँ बाइक तैयार थे और ऊपर सामान रखा हुआ था। खैर हम लोग बाइक पर जो सामान रखा हुआ था, हम लोगों ने बाइक वगैरह स्टार्ट की और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए। उसके बाद हम लोग जैसे ही उधर और जगह पर पहुंचे, उधर हम लोगों ने सामान वगैरह उतारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़िक जगह थी, ठंडी ठंडी हवा भी थी और बिल्कुल देसी माहौल था। उसके बाद मैंने इनको कहा कि भैया इस तरह सामान निकालो और इनको धो, और वो लड़के जो थे वो इनको धोने लग गए। उसके बाद मैंने इनको कहा कि यार अब तुम इनको काटो, वो जल्दी से ही दो लड़के प्याज काटने लग गए। प्याज काटने के बाद मैंने जल्दी से कहा कि भाई जल्दी जल्दी काटो, उसके बाद वो लोग प्याज काटने लगे। फिर टमाटर काटे, मैंने इसके अंदर जो है ना घी डाल दिया जो कि जमा हो, तो खैर मैंने इसके अंदर घी डाला। घी डालने के बाद मैंने इसके के अंदर अच्छी तरह से चमची मारी, चमची करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद भाई इन लोगों के काम चेक करो, मेरी टूटी हुई घड़ी उठाई हुई थी। खैर ये लोग हंस भी रहे थे मुझ पर कि तुम मेरे बेचारे की टूट गई, लेकिन इसको देखो यार ये नहा रहा था पानी के पाइप से, ये कह रहा था मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। खैर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो टमाटर वगैरह था सारा मलबा वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने वो डाला था यार, ये ना कि ना वीडियो मेरा छोटा भाई बना रहा था इसलिए उसने सामने उंगली भी रखी हुई थी। खैर उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह अंदर डालने के बाद मैंने फिर इसके अंदर जो ब्रेलर का गोश्त था ना वो भी इसके अंदर डाल दिया। ब्रेलर का गोश्त डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, इसके अंदर अच्छी तरह से चमची मारी, तो मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त चीज़ खा रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई हमें भी चखाओ। खैर उसने पैकेट लिया था यार, जैसे मैंने को खाया तो वो काफ़ी मज़े का था। उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों की जो है ना कढ़ाई वो तैयार हो चुकी थी, तो हम लोग ने उस कढ़ाई वगैरह को उठाया और हम लोग ले गए। उधर मेरे पास टमाटर कटे हुए पड़े थे, मैंने उसके अंदर जल्दी से ना दही को डाल दिया, जो कि हम इसको रायता कहते हैं, और रायता डालने के बाद हम लोगों ने ये कटोरी वगैरह उठाई और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप लोग इस जगह का व्यू चेक करें, बिल्कुल दरिया था, देसी माहौल था और ठंडी ठंडी हवा थी। हम लोगों ने एक जगह पर चादर डाली और दूसरे ऐसे घास पर बैठ गए। उसके बाद मैंने इनको कहा कि भाई जल्दी से खोलो और चेक तो करवाओ कि बनी कैसी है। जैसे मैंने इसके अंदर देखा तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, इधर कैमरा मेरा ख़राब था तो इसलिए सही शक्ल नहीं आ रही थी। खैर उसके बाद मैंने जल्दी से इसके अंदर एक नवाला लिया, बोटी को नवाले के अंदर लिया, और उसके बाद मैंने जो मैंने उनको कहा कि यार दही तो ले आओ, जैसे वो दही लाए फिर मैंने उसके अंदर उसको भी नवाला लिया। उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा तो यार वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। खैर उसके बाद हम लोगों ने उसको चटा, और चटने के बाद हम लोग इधर आगे दरिया पर, यहाँ पर बच्चे नहा रहे थे और मैं उनसे पूछ रहा था कि यार इधर मैं जा सकता हूँ कि नहीं, मैं डूब ना जाऊँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। लेकिन यार वो इतना बड़ा भी दरिया नहीं था, तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर घुस गया। जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा मेरा दोस्त भी आ रहा था और मैंने कमीज़ वगैरह नहीं उतारी, ऐसे ही बस मैं घुस गया। और यार जैसे ही मैं उसके अंदर गया तो यार पानी जो था ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, मतलब कि इतनी धूप थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था और हम लोगों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। खैर उसके अंदर मैं जैसे ही घुसा तो यार मुझे मज़ा तो आया, मैंने एक टुबुक्की लगाई, लेकिन उसके बाद भाई मेरा ये हाल देखो। खैर जैसे ही मैं वीडियो बना रहा था यार इधर चेक करो, मेरा मोबाइल गिर रहा था मुझसे, लेकिन मैंने जल्दी से पकड़ लिया और मेरा मोबाइल बच गया। खैर उसके बाद मैंने जैसे ही आया फिर मैंने मोबाइल उठाया, वीडियो बनाई, और मैं जैसे ही आया ना तो मैंने देखा कि भाई इनके काम चेक करो, ये आपस में ये दो नमूने एक दूसरे को मट्टी मार रहे थे। खैर आप लोग ये देखो, कह
खैर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद भाई मैंने इनको कहा कि चलो अब हम लोग चलते हैं। उन्होंने मुझे बाइक पर घर पहुंचाया और हम लोग रास्ते में आ गए तो हमारी किस्मत चेक करो कि रास्ते में पेट्रोल ही हमारा ख़त्म हो गया। खैर हम लोगों ने उसको बाइक को लिटाया और हमें वो पेट्रोल पंप तक ले गई। खैर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया और उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। तब तक हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।